आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार दिवाली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। कई वर्षों के बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण दो मुख त्योहार के बीच पड़ने के साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताएं का पालन किया जाएगा। आइए जानते हैं 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी जानकारियां और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर को और इसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। देश के खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार दिवाली के बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में आसानी के साथ देखा जा सकेगा, जबकि पूर्वी भागों में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहां पर सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा। भारत में ग्रहण की शुरुआत शाम के 4 बजे के बाद ही होगी। दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। दक्षिण भारत के हिस्से जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल में सूर्य ग्रहण कुछ ही समय को देखने के लिए मिलेगा। देश के पूर्वी भागों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के इन हिस्सों में नहीं देखा जाएगा सूर्य ग्रहण। ज्योतिष गणना के अनुसार दिवाली के बाद यानी 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण तुला राशि में लग सकता है। 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। फिर 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, मध्य और पश्चिमी एशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर हिस्सों में दिखाई देगा। इस वर्ष दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण का योग और ग्रहों का योग 1300 साल बाद बन रहा है। ग्रहण के समय 4 ग्रह खुद की राशि में मौजूद रहेंगे, जिसमें बुध, गुरु, शनि और शुक्र सभी चारों ग्रह अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। शनि मकर राशि में रहेगा, गुरु अपनी मीन राशि में, बुध कन्या राशि में और शुक्र तुला राशि में। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण लगने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। धार्मिक नजरिए से सूतक काल को शुभ नहीं माना जाता है। सूतक में पूजा पाठ और शुभ काम वर्जित होते हैं। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण शाम 4 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने पर सूतक काल ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले लग जाता है। यह ग्रहण करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए।